Hi guys, welcome back to my channel and welcome back to a long video, first ever long video on this channel. So basically ये जो channel मैंने start किया था, इससे पहले अपना introduction दो क्या थोड़ा सा. Obviously I need to give introduction guys, because मैंने आज तक चार ही video डाली है, जिसमें से मेरी एक video viral हो गई थी. मैंने चार short video डाली थी और जिसमें से मेरी एक वीडियो वायरल हुई, जिसकी वजह से मुझे 220 सब्सक्राइबर मिले, यानी आप लोग मिले हो. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. सो मैं सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ. हाय, माय नेम इज़ स्वाति गुप्ता एंड आई एम मैरिड एंड आई हैव अ किड ऑल्सो. माय बेबी इज अराउंड 20 months. या ही इज 20 months नाउ. ओके, तो मेरा ये जो चैनल मैंने स्टार्ट किया था, इसको स्टार्ट करने के पीछे कोई रीज़न नहीं था. जस्ट मैंने यूं ही स्टार्ट कर दिया था, लाइक यूं ही. मुझे ना अच्छा लगता था, लाइक किसी को ऐसे बताना, अब नमक डालो, अब उसमें चीनी डालो. मुझे अच्छा लगता था इंग्रेडिएंट शेयर करना, बताना. तो मैं ऐसे किसको बताती, तो मैंने सोचा यूट्यूब पर चैनल खोल लेती हूँ. और भाई मैंने चार वीडियो डाली, उसके बाद मेरा मन नहीं किया, क्योंकि यार कुकिंग वीडियो इज़ नॉट दैट मच ईजी जितना दिखता है आप लोगों को, राइट. अगर हम जैसे मेरी सिस्टर है, उसका कुकिंग चैनल है एंड शी यूज टू मेक डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स, डिफरेंट डिफरेंट डिशेज ऑन द डेली बेसिस, राइट. तो वो कभी मिठाई बना रही है, कभी ये बना रही है, वो बना रही है, ओ माय गॉड पता नहीं क्या क्या बना रही हो. भाई मेरे बस की नहीं है इतना खाना पकाना, लिटरली. मैंने तो बस ऐसे ही चैनल खोल लिया था. बाय द वे मेरा एक और चैनल है यूट्यूब पे, जो मैं 2 साल से रन कर रही हूँ, लेकिन अभी तक उस पे मोनेटाइजेशन नहीं हुई है. जस्ट 310 सब्सक्राइबर है उस पे. वो इसलिए क्योंकि मैंने 2 साल पहले जब स्टार्ट किया था, मैं प्रेग्नेंट थी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, जिसकी वजह से मैंने वीडियोस बनाना छोड़ दिया था. तो मेरी डिलीवरी के 6-7 महीने बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया था, 6 महीने बाद. आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट टाइम, बट हाँ मैंने स्टार्ट किया वीडियो बनाना और फिर बीच में छूट गया. अब वो इसलिए बार बार मेरा वीडियो बनाना छूट जा रहा था, क्योंकि मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा. हस्बैंड की अपनी शॉप है, तो वो चले जाते हैं मॉर्निंग में ही 8 बजे और आते हैं रात को 10:30 और 11 बजे. तो पूरे दिन मैं और मेरा बेबी अकेले रहते हैं एंड आई डोंट हैव एनी हाउस हेल्प, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा घर के कामों में भी हेल्प मिले. और इवन वी डोंट हैव एनी अदर पर्सन लाइक आर रिलेटिव और आर मदर इन लॉ और नोबडी वी हैव राइट नाउ, बिकॉज सब लोग अपने अपने घर में रहते हैं, हम यहाँ पे अकेले रहते हैं. उसकी वजह से क्या होता था ना, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी. एक तो पूरी प्रेगनेंसी मेरी हालत बहुत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं बहुत रोती थी, और उसकी वजह से मेरा बेटा भी रोत रोड़ू पैदा हुआ और वो पूरे दिन रोता रहता था, जिसकी वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पाती थी. घर का खाना नहीं बन पाता था यार, तो मैं यूट्यूब कैसे ही बनाती, तो नहीं हो पा रहा था. लेकिन अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया अपने उस वाले चैनल पर यूट्यूब दोबारा से बनाना. मैं ये देख रही हूँ कि कैमरा कैप्चर कर तो रहा है ना मुझे, कि मैं बस बोले ही जा रही हूँ. ओके, तो अभी मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, तो अभी कुछ गेन नहीं हो रहा है. लाइक वीडियोज में डाल रही हूँ डेली बेसिस पे. मेरा दूसरा चैनल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, हिल गया थोड़ा ट्राइपॉड, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर यहाँ पे भी मैं आई बटन पे या फिर यहाँ लिख दूंगी स्क्रीन पे, तो आप मेरा दूसरा चैनल भी देख सकते हो. वो है ऑल रिलेटेड फैशन ब्यूटी लाइफ स्टाइल. अभी ये जो मेरा मेकअप है, ये मैंने उस चैनल के लिए क्रिएट किया है. सो उसको भी मैं डाल दूंगी. तो मैंने सोचा कि मैं ना इस चैनल का क्या करूं. अब इसमें सब्सक्राइबर्स तो गेन हो रहे हैं यार, 220 सब्सक्राइबर हो गए, जस्ट चार वीडियो डाली है, जिसमें से एक पे 1.7K व्यू है, एक पे 1.8K व्यू है और एक पे सिर्फ 36 व्यू है और एक पे 1 लाख प्लस व्यू है, जिसकी वजह से आप मेरे पास हो. सो दैट्स वाई मैंने सोचा यार आप लोगों को भी मैं निराश नहीं कर सकती. लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो और मैं कोई कंटेंट अपलोड नहीं कर रही हूँ. तो मैंने ये सोचा है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना क्या मैं सही सोच रही हूँ, कि देखो यार खाना वाना तो इतना तो नहीं बन पाएगा मुझसे. ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल खाना ही नहीं बनाती, क्या घर में खाना नहीं बनाती, लाइक बनाती हूँ. मैं डालूंगी भी, खाने की रेसिपीज भी डालूंगी, बट जैसे होता ना होम शेफ भी होते, जो बहुत बड़े बड़े जैसे अच्छे अच्छे होम शेफ है बहुत सारे, तो हम लोग अलग अलग चीज़ें डालते हैं बनाते हैं. मैं उतना नहीं कर सकती, मुझे नहीं लगता कि मैं उतना कर पाऊंगी. मैंने ये चैनल बस ऐसे ही स्टार्ट कर लिया था, बट मैं इस पर रेसिपीज डालूंगी. पर मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं इसको ना व्लॉग चैनल बना लूँ, राइट. कि मेरा जो दूसरा वाला चैनल है उस पर मैं फैशन ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट डालती हूँ, इस पर मैं अपनी डेली लाइफ, अपना ब्लॉगिंग और लाइक रेसिपीज भी दिखाऊंगी. ब्लॉग के अंदर रेसिपीज दिखा दी या फिर हो हाउस रिलेटेड कोई चीजें स्टफ लाइक फ्रिज में, जैसे कि मैं थोड़े थोड़े हैक्स वगैरह ट्राई करती रहती हूँ घर में, कभी
पता नहीं क्यों कैमरे की रिकॉर्डिंग रुक गई थी, कभी फ्रिज के रिलेटेड, कभी बॉल के रिलेटेड, कभी प्लांट्स, कभी कुछ। तो मैं सोचूं इसको ना एक मिक्सअप काइंड ऑफ इस पे मैं कंटेंट अपलोड कर सकती हूँ, जो भी अपलोड करूँ वो आप लोगों के लिए एंटरटेनिंग हो, यूजफुल हो और आप लोगों को मजा आए देखने में। तो पहले तो मैं ब्लॉगिंग का ही सोच रही हूँ कि मैं ब्लॉग चैनल बना लूँ इसको, और मेरा अभी चैनल का नाम है द ड्रामा कुक और मैं उसे चेंज करना चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ क्या मैं उसका नाम स्वाति ब्लॉग्स या फिर स्वाति लाइफ स्टाइल ऐसा कुछ रख लूँ या क्या रखूँ, प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बता देना आप लोग। इवन आई डोंट नो कि इस पर कितने व्यूज आएंगे, फिर भी इतनी बकवास करे जा रही हूँ मैं। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ तो मैं इसका नाम चेंज करने की सोच रही हूँ, कॉन्टेंट भी चेंज करने की सोच रही हूँ। हाँ मैं रेसिपीज डालूंगी, बट लाइक अभी शॉर्ट रेसिपीज डाल दी। अभी मेरे पास बहुत सारी रेसिपीज है जो मैंने शूट कर रखी हैं बट आई डिडंट अपलोड दैम येट बिकॉज टाइम नहीं मिलता मुझे, दूसरा वाले चैनल पे भी काम करना होता है, इंस्टाग्राम पे भी करना होता है, मेरे बेबी का भी इंस्टाग्राम पेज है उस पर भी काम करना होता है। सो यू नो आई एम अ मल्टीटास्किंग वुमन, ओके। तो इसीलिए ना मैं नहीं डाल पाती हूँ। बाय द वे मैंने फेस भी रिवील किया अपना, मैंने जो चार वीडियो डाली है ना उसमें मेरा किसी ने फेस नहीं देखा, ना तो लोगों को मेरा फेस पता है ना ही मेरा नाम। मैं वीडियो देख रही हूँ कितनी लंबी होती जा रही है, ज़्यादा बकवास नहीं करनी ओके मुझे। तो मैंने अपना नाम भी नहीं बताया था, तो गाइज मेरा नाम स्वाति है, मैंने अपना फेस भी नहीं दिखाया था, तो आप मेरा फेस देख लो, बहुत क्यूट सी लग रही हो ना मैं। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो मैं नहीं चाहती कि प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत करना इस वीडियो को देखने के बाद कि अच्छा जी हमने तो कुकिंग चैनल की वजह से सब्सक्राइब किया था एंड नाउ शी इज सेइंग कि मैं कुकिंग वुकिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ एंड ऑल दैट। ऐसा नहीं है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ऑब्वियसली आई एम इंटरेस्टेड इन कुकिंग ऑल्सो एंड आई विल अपलोड कॉन्टेंट रिलेटेड कुकिंग। आई एम नॉट सेइंग दैट आई विल नॉट अपलोड एनी कॉन्टेंट रिलेटेड कुकिंग, आई विल ओनली अपलोड ब्लॉग्स, आई विल अपलोड ब्लॉग विद कुकिंग रिलेटेड वीडियोज ओके। लाइक जब मैं ब्लॉगिंग करूंगी उसमें थोड़ी बहुत रेसिपीज होंगी, मेरी रियल लाइफ, मेरी नेचुरल लाइफ, आई मीन जो नेचुरली मेरे इर्द गिर्द का माहौल है। आई डोंट नो मैं क्या बकवास कर रही हूँ और क्या ही बोल रही हूँ, पता नहीं। मैं एडिट नहीं करूंगी बट इस वीडियो को, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी रॉ एंड रियल, सो दैट्स वाई मैं एडिट नहीं करूंगी इस वीडियो को और मैं ऐसे ही डाल दूंगी। तो मैं आपको ये बोल रही थी, अगर मैं ब्लॉग भी करूंगी ना तो मैं चाहती हूँ मैं रियल जैसी हूँ, जैसी मैं एक्चुअल लाइफ में हूँ वो मैं दिखाऊँ कैमरे पे। बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि जब आप रियल होते हो, जब आप नेचुरल होते हो, जब आप बिल्कुल पता नहीं क्या होते हो, तो लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अच्छा आप बहुत सारे लोग मुझे पसंद करें, मैं इसलिए कर रही हूँ। कीवी और रुक जाना, बाय द वे मैं इसे कीवी इसलिए बोल रही हूँ, इसका नाम कियांश है मेरे बेबी का एंड वी लव टू कॉल हिम कीवी ओके। सो यहाँ पे वो खेल रहा है अभी अपने कुछ कटोरे वटोरे से। सो मैं बोल रही थी कि मैं चाहती हूँ जो मैं ब्लॉगिंग करूँ बिल्कुल रियल हो। मैं ये नहीं कह रही कि अपने दूसरे वाले चैनल पर मैं फेक हूँ, नहीं, लेकिन वो एक प्रोफेशनलिज्म काइंड ऑफ हो गया। लाइक उसमें मेरा ब्यूटी रिलेटेड चैनल जो भी है मैं उसमें वही दिखाती हूँ, मैं पर्सनल लाइफ इतना नहीं दिखाती हूँ उसमें। हाँ मैंने एक दो व्लॉग डाले हैं उसमें भी, आप जाके देख सकते हो, लेकिन अब मैं चाहती हूँ सारे व्लॉग्स में इधर डालूँ, मतलब ये चैनल मैं ब्लॉगिंग चैनल बना लूँ। प्लीज़ आप मुझे इसमें भी सपोर्ट करना मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आप चाहोगे तो सब हो जाएगा। अब मैं भाई बोल दूँ क्या, और भी कुछ बताना है क्या मुझे? लेट मी थिंक, एक मिनट रोक के ना कैमरे को सोच लूँ कुछ बताना है, फिर आती हूँ। रुक क्यों? अच्छा गाइस, तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है ऐसा कुछ बताने का। वैसे मैंने ना एक बार सोचा था कि मैं ये वाला चैनल जो है ना क्विट कर दूँ, बंद कर दूँ, लेकिन फिर यार आप 220 जो हो ना, एक्चुअली आई लव यू ऑल, आई रियली लव यू ऑल गाइज, लिटरली मैं आप लोगों को खोना नहीं चाहती, ये 220 को भी मैं खोना नहीं चाहती, इसलिए मैं ये वाला चैनल क्विट नहीं कर रही हूँ। और जो वो नींबू का अचार है ना जो वायरल हुआ है, जिसपे 100,000+ व्यूज़ आए हैं, जिसकी वजह से आप मेरे चैनल पे आए हो, वो हमने खाया नहीं है गाइज। बताऊँ क्या हुआ था, बाहर बालकनी में वो रखा हुआ था मैंने धूप लगाने के लिए, और मेरी नेबर में एक रहती हैं एक पर्सन और उनकी डॉटर है मेरे कीवी से कुछ मंथ्स की बड़ी है, उसने उसमें धक्का मार दिया और वो बालकनी से नीचे गिर गया, एक आंटी के सर पे भी गिर गया था, टूट गया वो कंटेनर और सारा अचार बिखर गया। आंटी को थोड़ी बहुत चोट भी आ गई थी बट आंटी बहुत अच्छी थी, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ बोला नहीं, मेरे हस्बैंड को जाके बस नीचे साफ वाफ करना पड़ा, उन्होंने ही किया था। तो वो नींबू का अचार हमने सिर्फ खुशबू ली थी, जब लाइक जब मैं डब्बा खोलती थी इतनी अच्छी खुशबू आती थी यार, लिटरली मेरे तो अभी भी याद आ गया। तो आप प्लीज़ वो अचार बनाओ, लिटरली बहुत अच्छा अचार है वो, बहुत टेस्टी है। तो मैं दोबारा वो अगर बनाऊंगी ना, मतलब मेरे हस्बैंड बोल रहे बनाने के लिए, तो दोबारा मैं बनाऊंगी ना तो मैं उसकी फुल रेसिपी डालूंगी, क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट किया था कि प्लीज़ आप उसकी डिटेल्ड वीडियो डालो, तो डिटेल्ड वीडियो डालूंगी मैं उसकी। बस इतना ही बताना था मुझे आप लोगों को गाइज़। सो या बाय गाइज़।